हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसके लिए क्या फॉर्मेट है वह आज की क्लासेस में एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अगर गलती होगा तो सही कर लेंगे और सही है तो बहुत ही अच्छा। तो मैंने बोला था जब भी आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो आपको हेडिंग तो लिखना ही होगा। क्या हेडिंग लिखना होगा? तो मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। मैक्सिमम लोग लिखे नहीं होंगे और जो नहीं लिखे वो गधे हैं, ठीक है। और उनका आगे चल के जब चेक कहीं कराएंगे तो गलत हो जाएगा। यह लिखना बहुत जरूरी है। प्लस उसके बाद हमने फॉर्मेट समझाया था क्या पार्टिकुलर, उसके बाद से अमाउंट, फिर से पार्टी, उसके बाद से अमाउंट। ये बताया था आपको। इसको बोल्ड करते हैं थोड़ा और इसको बड़ा करते हैं साइज और डबल क्लिक करते हैं, सेट करते क्या 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 क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। पहला दिया है सेल्स। क्या दिया है? सेल्स कितने लाख रुपए का? कितने का? 2 लाख रुपए का। बोलिए तो क्या करेंगे? अब आप बताओ, सेल्स लेफ्ट साइड लिखेंगे या राइट साइड? बोलो लिखे राइट साइड। तो क्या करेंगे? लिखेंगे बाई सेल्स। बाई सेल्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बाई सेल्स, ठीक है। अब आप बताओ कितने का सेल कर रहे हैं? बोलिए जी, ये आप लिख देंगे ना प्रशांत। दो लाख। उसके बाद से अगला क्या है बोलिए? उसके बाद से अगला है ओपनिंग स्टॉक। क्या है ओपनिंग स्टॉक? क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का है टोटल? कितने का ओपनिंग स्टॉक है? 50,000। तो लिख देंगे 50,000। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला दिया है पैकिंग चार्ज, ये भी किनारे रखते हैं। सेल्स रिटर्न दिया है। क्या दिया है? सेल्स नहीं, ओपनिंग स्टॉक के बाद से दिया परचेज। क्या दिया है? परचेज। यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे क्या? टू परचेज। क्या करते हैं? टू परचेज। कितने का परचेज किया था? एक। कितने का? 1 लाख। खूब पैसा लिखी है, अभी सब गलती है, गलती लिखी है। हाँ उससे मतलब है, ठीक है। उसके बाद अगला है पैकिंग चार्ज, अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट अगला दिया है सेल्स रिटर्न। क्या दिया है? सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे आ जाएंगे, लिखेंगे लेस रिटर्न। कितना रुपया रिटर्न? कितने का कर रहे हैं? 10,000 का। उसके बाद से नेक्स्ट अगला है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया है? नहीं, सेल्स रिटर्न, उसको दिया परचे रिटर्न। क्या लिखेंगे? लेस रिटर्न। कितने का परचे रिटर्न? कितने का हो रहा है? 5,000 का। बोलिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए का है? क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000 का। ले देंगे 40,000।
उसके बाद अगला है वेजे, तो वेजेज है 2000 और पैकिंग चार्ज है 2000। खूब पैसा अमाउंट लिखिए, मानना पड़ेगा। चलो लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंस और ब्रेकेट में कर देते हैं पैकिंग चार्ज और कामा वेजे, कितना रुपए टोटल 4000। 2000 को लिखिए 20000, 1,00,000 को लिखिए 10000 और 10000 को लिखिए 1,00,000। अभी दिखा रहे कहां कहां गलती की। चलो यहां तक क्लियर है सबको? ए ध्यान से सुनो समझो, ओपनिंग स्टॉक था, अमाउंट में मैच करा लेना 50000 का, कोई दिक्कत? चलिए सेल्स था 2,00,000 रुपए का है, सेल रिटर्न था 10,000 का, परचेज था 1,00,000 का, रिटर्न था 5,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का, वेजेज टोटल खर्चा किया हूं 4,000। बोलो अब कहीं किनारे हम क्या करेंगे? हाँ यहाँ पर रूल लिख देंगे, ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट और इधर लिख देंगे बाई ग्रॉस लॉस, चेक कर लेंगे हुआ हो तो रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब यहाँ पे 2,00,000 का हमने सेल किया था और 10,000 को वापस कर दिया था, कितना होगा 1,90,000। अब हमने 1,00,000 का खरीदा था और 5,000 को वापस कर दिया था, कितना होगा 95,000। बोलो अब यहाँ पे आएंगे और करेंगे इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे सम, ब्रैकेट ओपन, किनारे कहीं जोड़ ओड़ लेंगे, कितना है यहां से लेके यहां तक जोड़ा, ब्रैकेट को बंद किया, इंटर दबाया, 1,49,000 आ गए, इक्वल किया, ठीक है, और यहाँ पे 1,90,000 प्लस 40, यहाँ पे कितना आ गया 230। अब क्या करेंगे, इक्वल 230 ज्यादा में से माइनस कम वाला बैलेंस, कितना आ गया 81,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट लिखने बाद से यहाँ पे लिखेंगे 230 और यहाँ पे लिखेंगे 230 और यहाँ पे लिखेंगे कितना 81। एम को फाइंड करना था, ठीक है, बस ये बोल्ड कर देता हूं, ये आंसर 230 बराबर आना चाहिए और जो प्रॉफिट आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, कितने का आना चाहिए 81,000 का। कितने लोग का आया है? बस 2-3 लोग का। हाँ हाँ तो होगा नहीं, क्लियर है? अगर गलती बनाए हो तो सही कर लो, तो समझने वाले इसमें क्या हुआ, हम लोग समझने वाले हैं पीएल अकाउंट, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, मतलब वो भी जरूरी है लेकिन इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझना, क्योंकि इसी से हमारा पूरे व्यापार का स्थिति पता चलेगा। तो देखो बताया जा रहा है, यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समझना, यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास, पढ़े हो ना आप लोग, तथा प्रोविजन भी शामिल है, प्रोविजन मतलब प्राविधान, एक रूल है, इसके लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का भी ज्ञान पीएल अकाउंट के द्वारा ही होता है। और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है, मतलब समझने की कोशिश करना, हम पीएल अकाउंट बनाते क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते क्यों, सीधा सा मतलब है कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े थे तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा प्रॉफिट तो निकला था लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं निकला, लॉस भी निकला था लेकिन नेट लॉस नहीं निकला, मतलब व्यापार में कोई एक ही होगा,
या तो नेट प्रॉफिट आएगा बोल रहे, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दोनों एक बार नहीं आ सकता। या तो घाटा ही हमारा कंपनी में जाएगा या तो फायदे में जाएगा। ऐसा सुने हो किसी से, घाटा भी हुआ फायदा भी हुआ, हुआ किसी गुड्स पे घाटा फायदा बोलेंगे, इस वाले कितना घाटा हो गया था इस वाले कितना फायदा हो गया। मतलब व्यापार का अगर स्थिति पूछा जाए, एक बार एक स्टेटमेंट हमको दे दो, एक स्टेटमेंट हमको दे दो सीधा सा कि आपके व्यापार में इस बार फायदा हुआ है नुकसान हुआ, ठीक है? तो यह नहीं कह सकता फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ, डायरेक्ट बताएगा क्या इतने लाख रुपए का फायदा हुआ है या इतने लाख रुपए का नुकसान हुआ है, और इतने लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है या इतने लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो देखो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं या तो जीपी निकल के आता है या तो जीएल निकल के आता है, मतलब जीपी मतलब या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है या तो ग्रॉस लॉस निकल के आता है, दोनों में से कोई एक ही निकलेगा। तो जब तक जीएल और जीपी नहीं निकलेगा ना, तब तक पीएल अकाउंट नहीं बना सकते। तो सपोज हम लोग जीपी और जीएल निकालना सीख लिए, अब वही जीपी जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट वाला बैलेंस आएगा पीएल अकाउंट में जाके जुड़ेगा, आया जो ग्रॉस लॉस वाला बैलेंस आएगा वो भी हमारा पीएल अकाउंट में जाके जुड़ेगा, उसी बैलेंस के हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम लोग जीपी जीएल नहीं निकाल पाएंगे तो पीएल अकाउंट सीधा नहीं निकाल पाएंगे, मतलब सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं टॉपिक बीच में छोड़ दिए तो भी चलेगा, नहीं, जो बैलेंस वो आएगा वो बैलेंस हमको इसमें शो कराना होगा, तभी वो मैच करेगा, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। मतलब इतना क्लियर होना चाहिए कि जीपी और जीएल किससे निकलता है, किससे निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट किससे निकलता है, ट्रेडिंग से। अच्छा पीएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसे क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट कितना हुआ, जिसमें यह नहीं है कि अभी अनुमान लगा रहे, नहीं नेट इतना ही हुआ, नेट लॉस मतलब ये अनुमान नहीं लगा रहे, नेट लॉस इतना ही नुकसान हमारे व्यापार को हुआ है। वह किससे पता चलता है, तो वह हमारे पीएल अकाउंट से पता चलता है। किसे पता चलता है, पीएल अकाउंट से पता चलता है। मतलब पीएल अकाउंट बनाने का मेन उद्देश्य यह होता है कि अपने व्यापार का स्थिति का पता लगा ले और हमारे व्यापार में कितने का नेट प्रॉफिट हुआ है या व्यापार में कितने का नेट लॉस हुआ है, यह आसानी तरीके से जानकारी मिल रहा है। इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट को मतलब बनाते हैं और बनाने के बाद से उसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कैसे होगा। अब देखिए बताया जा रहा है किसका फॉर्मेट निम्नलिखित होता है, फिर वही देखो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला तो पहले पढ़ाए थे आपको कि प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, जितने आपके व्यापार में इनकम होंगे, जितने इनकम होंगे माइनस जितने आपके एक्सपेंस होंगे, दोनों का जो बैलेंस जो माइनस प्लस करने के बाद निकलेगा वो इसका क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट। ये बता रहा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको जोड़ लेंगे और अदर इनकम चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो सारा हम लोग जोड़ लेंगे, माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस मतलब उस गुड्स को बेचते समय सेलिंग करते समय बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे बहुत सारे खर्चे का मतलब क्या, हम सेल्समैन को रखे हैं, तब उस सेल्समैन को बोला बाबू जो सेल्समैन जितना बिक्री करा देगा उसमें कमीशन दूंगा, या प्रचार मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं बहुत सारा खर्चे करते हैं, ये बोला गया सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन और मूल्य ह्रास मतलब जो हमारा संपत्ति उसमें से कुछ नुकसान होता है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज देते, कई बार वो टाइम से कस्टमर सप्लायर को पैसा नहीं देते तो ब्याज जोड़ लेते हैं, ठीक है, हुआ पैसा प्लस टैक्सेस जो टैक्सेस होते हैं वह पैसा, अदर एक्सपेंसेस हजारों एक्सपेंसेस आ सकते हैं, मतलब हजारों एक्सपेंसेस मतलब दो ही प्रकार के आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम हजारों आ सकते हैं, ठीक है। अब माइनस करना जो बचेगा वही क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। ये तो फार्मूले रूल बताए जा रहे हैं, फॉर्मेट ये हमको याद करना है। और ये देखो ये ट्रेडिंग से भी हल्का, ट्रेडिंग से भी इजी है, उसमें दो चार वर्ड याद करना था, उसमें याद करना था ओपनिंग क्लोजिंग सेल सेल रिटर्न, ठीक है, उसके बाद जीपी और जीएल इसमें ज्यादा याद नहीं करना, दो ये चीज देखना है, इनकम हुआ है तो उसको रिकॉर्ड कर दो, एक्सपेंस हुआ है उसको रिकॉर्ड कर लो, बस देख लो दोनों का बैलेंस किसका ज्यादा है, खर्चे का ज्यादा है तो लॉस में जाएगा और इनकम का ज्यादा है तो प्रॉफिट में जाएगा, बहुत सीधा सा मतलब है। हाँ बस इतना याद रखना है कि जो जीपी और जीएल निकल के आता है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लाके रखेंगे। तो देखो अगर हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, तो बताया जा रहा देखिए कि अगर आपके व्यापार में ट्रेडिंग के हिसाब से लॉस हुआ है तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पीएल अकाउंट में बनाओगे लिखोगे पीएल अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग
कब बनता है ये सब लिखना पड़ेगा। तो देखो ये बता रहा है पार्टिकुलर अमाउंट इसमें भी होना चाहिए, पार्टिकुलर अमाउंट इसमें भी होता था, सेम इसमें भी वही प्रोसेस है, बस यही है जो जीएल निकल के आएगा उसको लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। देखो बताया जा रहा है ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर कहाँ से हुआ है जी। फिर से देखो अगर जीपी निकल के आएगा तो देखो बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी पैसा कहाँ से ट्रांसफर हुआ है जी, बस सिंपल है। अगर जीएल हुआ है तो हम लेफ्ट साइड जोड़ देंगे, अगर जीपी हुआ है तो राइट साइड जोड़ देंगे। मतलब अगर हमारा फायदा हुआ है तो इनकम साइड जोड़ देना है, अगर नुकसान हुआ है तो खर्चे साइड जोड़ देना है, तभी तो नेट प्रॉफिट पता चल पाएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद से देखिए क्या बताया जा रहा है, जितने मतलब लेफ्ट साइड में जितने आपके खर्चे उसको रखिएगा, सिंपल है देखना, मतलब लेफ्ट साइड में जितने आपके खर्चे हैं ये दिख रहा ना आपको, यह सब जैसे सैलरी बोलो रेंट हीटिंग से रिलेटेड है, इंश्योरेंस प्रिंटिंग स्टेशनरी पोस्टेज इंटरेस्ट डिस्काउंट अलाउ बैड डेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब पढ़े हो आप लोग, ठीक है, डिप्रिसिएशन कमीशन पेड कैरिज आउटवर्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और लिखा गया टू नेट प्रॉफिट। लेकिन एक बात और सुन लो समझ लो, हम बताए थे कि अगर हमारे व्यापार में प्रॉफिट होगा तो पैसा कैपिटल के साथ ऐड होगा, अगर व्यापार में लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस होगा, जब कैपिटल हम पढ़ाए थे तब। तो ये बोला गया है कि टू नेट प्रॉफिट कहाँ हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब ये ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। और देखो फिर वही जितने आपके इनकम होंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे, रेंट रिसीव लिख देंगे, कमीशन रिसीव लिख देंगे, डिस्काउंट अर्न जो हुआ वह लिख देंगे, बैड डेब्ट जो डूब गया था पैसा जो आ गया वह लिख देंगे, बाई इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, मतलब व्यापार में किसी भी अदर सोर्स अगर इनकम होता है वह पैसा लिख देंगे, और उसके उस लिखेंगे बाई नेट लॉस, और लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बस मतलब लॉस हुआ तो भी कैपिटल में ट्रांसफर होगा, मतलब यही है, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल को बढ़ा देगा और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल को घटा देगा, बस। अब इनकम वाला पैसा जोड़ लेंगे और उसके बाद एक्सपेंस वाला पैसा जोड़ लेंगे, सेम वही है, देख लेंगे खर्चे साइड ज्यादा हो रहा है तो हमारा लॉस में आ जाएगा, अगर इनकम साइड ज्यादा आ रहा है तो हमारा हमारा क्या हो जाएगा, बस सिंपल। बोलो तस या तो उससे भी इजी है, बहुत इजी है, तो ये कर ले जाओगे ना, तो दिक्कत तो नहीं है, तुमने बस इसके बारे में बताना था पीएल अकाउंट क्या होता है और इसका फॉर्मेट क्या होता है, और इसमें एक एक कोड हम समझा चुके हैं, सैलरी क्या होता बताया हूँ, रेंट क्या बताया हूँ, रेंट रिसीव कमीशन सब पढ़े होते, इसमें हम लोग डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुमने इसका शुरुआत कर दिया है, कल से हम लोग इसी के बारे में देखो लिखा गया है, सैलरी क्या होता है देखो बताया जा रहा है कि दिस रेफर टू द सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, यही तो देंगे, सैलरी किसको देंगे, हमारे ऑफिस में जो स्टाफ उनको देंगे, ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस किसको देंगे बताइए, कि बिल्डिंग हम जो रेंट पे लिए हैं, देखो बताया जा रहा है कि रेंट एंड टैक्सेस रिफर टू म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड द रेंट पेड फॉर द ऑफिस बिल्डिंग, बोलिए, तो वही जो हम पढ़ाए शुरू में, ठीक है, इंश्योरेंस किसका कराएंगे, हमारे व्यापार में किसका कराएंगे, अपने बिल्डिंग का कराएंगे, अपने व्हीकल्स का कराएंगे, यही बताया जा रहा है, इंश्योरेंस दिस रिफर टू द प्रीमियम पेड फॉर द इंश्योरिंग बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक एंड सो एंड अगेंस्ट रिस्क, ठीक है ना, तो यह सब हम पढ़ाए आपको कैसे क्या है कैसे नहीं है, ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशन वाला प्रिंटिंग जो रखे हैं उसमें बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तो इसको फिर से वही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एक करके तो हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, फिर से हाँ नोट में एक पॉइंट दिया है, क्या दिया है, तो हम ये भी पढ़ाए हैं लेकिन थोड़ा सा देख लो, कहा जा रहा है कि पर्सनल एक्सपेंस, याद है ना आपको कि अगर पर्सनल एक्सपेंस हो क्या बोलेंगे उसको जी, तो यही बोला गया है कि पर्सनल एक्सपेंस सच एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और मान लो लाइफ इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, तो इसको यहाँ में नहीं डाल, ना डाल देना किसमें, पीएल अकाउंट में, वो एक पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस, ये बोला गया है कि पर्सनल एक्सपेंस सच एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम टैक्स, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया उसके खर्चे हो गए, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो रहा है ना, इनकम टैक्स मतलब जिस इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट एक प्रकार का टैक्स होता है, ठीक है, एंड सो ऑन incurred by to the business owner should not be included in the PL account,
ठीक है, अगर ये ऑनर से रिलेटेड है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे इनकम टैक्स हो, या अदर कुछ हम लोग पैसा क्या किए हैं व्यापार से निकाल लिए, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड हमको नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है किसमें, मतलब एक ही साथ बनवे करेगा, यही बताया जा रहा है। क्या करोगे अब आप बताओ, ये पैसा कहाँ पे, ये पैसा जो होता है वो कहाँ पे जाके फर्क डालता है, कैपिटल पे सीधा डालता है, पता है आपको, तो यही बताया जा रहा है। सच एक्सपेंसेज आर ट्रीटेड एज ड्रॉइंग व्हिच हैज टू द डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, ठीक है ना, मतलब जो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, इसके सारे क्या होता है, डिडक्ट होता है, मतलब घटता है। आज है 10 लाख और मान लो हमने क्या कर लिया, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस हमने क्या कर लिया है, 1 लाख रुपए का कर लिया, तुम्हारा कैपिटल कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपए का हो जाएगा। मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस का रिकॉर्डिंग इसमें नहीं करना है, किसमें रिकॉर्ड करना है, ड्रॉइंग में, और ड्रॉइंग कहाँ जाता है, तो ड्रॉइंग जाता है हमारा बैलेंस शीट में, कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, वैसे हाथ रख के पिन मिल गया, चल रहा है, चल रहा है, क्लियर है, किसका है, लो जी लो, हाँ कोई दिक्कत।